सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। सो आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बता देने वाला हूँ कि आप अपने चैनल का 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 हावर्स अपना कैसे कंप्लीट करें। 4000 हावर्स मतलब घंटा अपना कैसे पूरा कंप्लीट करें, वो भी जल्दी से जल्दी गाइस मेहनत करके। सो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, जिससे आप से कोई इन्फॉर्मेशन न छुपने पाए। और उसके बाद आप वो ट्रिक अप्लाई कीजिए गाइस, कंफर्म है आपकी 4000 हावर्स की वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस, तो यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो आपको अनलिस्ट में अपलोड करनी है, पब्लिक जस्ट में तुरंत नहीं करना है, अनलिस्ट में तुरंत अपलोड कर देनी है। जैसे ही आपकी वीडियो जो अपलोड हो जाती है तो आपको उसको एडिट कर देना है पूरा, सब आपका जो थंबनेल है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग पूरा अच्छे से लगा देना है, वो भी यूट्यूब स्टूडियो के माध्यम से। जैसे ही यूट्यूब स्टूडियो में अपना ऑन करते हो ईमेल के साथ चैनल, तो आपका पूरा डेस्कटॉप डैशबोर्ड में खुल जाएगा आपका वीडियोस, तो उस वीडियोस को जो अपलोड किए हो वहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद उस पर क्लिक करके आप अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये चीज़ लगाना आपको नहीं आता है गाइस, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखा है वीडियो का, उस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स लगाया जाता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है। तो गाइज वहाँ पर आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, थंबनेल लगा देना है। लगाने के बाद अच्छे से सबमिट कर देना है पब्लिक। जैसे ही पब्लिक वहाँ पर करते हो उसके बाद आपको यूट्यूब पर चले जाना है। जैसे ही अपने यूट्यूब पर जाते हो दूसरा ईमेल आपको ऑन कर लेना है, वहाँ पर जिस टॉपिक पर आपकी वीडियोज़ है उस टॉपिक की वीडियोज आपको सर्च करनी है, राइट। सर्च करते ही थोड़ी देर बाद, कहने का मतलब वीडियोज के एक दो घंटे बाद आपको सर्च करना है, एक से दो घंटे बाद आपको सर्च करना है, जिससे सर्च लिस्ट में आ जाए आपकी वीडियोज। सर्च जैसे ही करते हो तो वहाँ पर नीचे देख लेना फॉर यू पेज में मेरी वीडियोज आ रही है नहीं। जैसे ही फॉर यू पेज में आपकी वीडियोज आती है तो वहाँ पर आपको वीडियोज एक से दो बार चला के देख लेना है। वीडियो जब आपको चला के देख लेते हो उसके बाद वीडियो आपकी रैंक करती है, ऊपर आ जाती है। तो जैसे अगर नहीं भी आ रही आपकी वीडियोस तो वहाँ पर अपना वीडियोस का टाइटल डाल के नेम डाल देना है अपने चैनल का, तो आपको वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो उस पर जैसे क्लिक करके 5 से 7 बार अपने मोबाइल से चला लीजिए, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार दूसरे मोबाइल से, कहने का मतलब मोबाइल दूसरे की ना हो तो अपने ईमेल से 2-4 ईमेल अपना बनाए रखिए। हर एक यूट्यूबर्स का 2-3 ईमेल होता है, तो वहाँ पर बना के आप अपना वहाँ पर 2-3 ईमेल से देख सकते हैं वीडियो। कहने का मतलब अगर आप एक ईमेल से 50 व्यूज दे रहे हो, भाई यूट्यूबर हो तो कुछ ना कुछ तो स्टार्टिंग भाई करना पड़ेगा व्यूज लाने के लिए। एक ईमेल से आप 50 व्यूज देते हो तो सोच लो अगर 10 ईमेल आपके हैं तो 500 व्यूज आपके कंप्लीट हो गए। एडवाइज 1 से 2 दिन में आप 500 व्यूज आराम से कंप्लीट कर लेते हो, 400 व्यूज़ 500 व्यूज़ आराम से कर सकते हो। और इसकी एक ट्रिक और है गाइज, जैसे ही आपका फेसबुक ग्रुप्स जो होता है वहाँ पर आपको वीडियो शेयर कर देना है, तो व्यूज़ जब वहाँ से कुछ आ जाएगा, कुछ आपके सब्सक्राइबर गेन हो जाएंगे, जब सब्सक्राइबर आपके गेन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका व्यूज़ कुछ ना कुछ तो आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट गाइज। और बात रही वीडियो रैंकिंग करने की, तो वीडियो रैंक आपकी जब 40 से 50 व्यूज आप हर एक ईमेल से सर्च कर करके देखते हो तो आपकी वीडियोस कंफर्म है रैंक करनी ही करनी है, क्योंकि यूट्यूब हमेशा देखता है कि आपकी वीडियोस कितने लोगों के पास जा रही है, कितने लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, कितना इम्प्रेशन, क्लिक थ्रॉट रेट आपका आ रहा है। तो ये गाइस वहाँ पर काफ़ी डिपेंड करता है क्लिक थ्रॉट रेट के ऊपर, जैसे जितना ज़्यादा आपका क्लिक थ्रॉट रेट है होता है उतना ज़्यादा आपका व्यूज़ रैंकिंग करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये क्लिक थ्रॉट रेट क्या होता है, ये कहाँ से देखा जाता है, ये भी मैं आपको बता देने वाला हूँ।
जैसे ही आप अपने YouTube स्टूडियो में जाते हो तो एनालाइजिस का ऑप्शन मिलता है। एनालाइजिस के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करते हो तो वहाँ पर ऊपर एक इंप्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जब स्वीप करोगे साइड में, उसके बाद हल्का इधर स्वीप करोगे, क्लिक थ्रॉट रेट ऐसे लिख के आएगा। तो जैसे ही वहाँ पर देख लेंगे आप, तो 5 से ऊपर रहना चाहिए, 5.0 से ऊपर रहना चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो आपकी वीडियो अच्छी बनी है, और वैसे भी आपकी वीडियो अच्छी तब दिखाएगा ही, क्योंकि देखो भाई, जब हर एक बंदा सर्च कर रहा है, बार बार आपकी वीडियोस क्लिक कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका वीडियोस रैंक करेगा। यूट्यूब तो हमेशा ही देखता है किसकी वीडियोस में ज़्यादा क्लिक आ रही है, क्लिक मतलब कि ज़्यादा वीडियोस क्लिक किसकी हो रही है और किसकी वीडियोस ज़्यादातर देख रही है। तो ये चीज़ रही वीडियो रैंकिंग करने की। तो आशा करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है वीडियो कैसे रैंक करती है। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इतना इन्फॉर्मेशन कुछ देने का नॉलेज ली आपको हमेशा मिलता रहे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ हमेशा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी क्वालिटीदार वीडियोज़ के साथ। तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।